गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच इंडियन स्टेट। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहां पे इनॉग्रेट कर दिया है, अंडर द मिशन पाम ऑयल। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है ये पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, और नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम को लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसका बेसिक पर्पस क्या था, ऑयल पाम कल्टीवेशन को बूस्ट करना और क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, तो इसके लिए आउटले तैयार किया गया 11,040 करोड़ रुपए का। इस स्कीम के थ्रू टारगेट किया गया कि ऑयल पाम एरिया में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हो सके और प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकें बाय द एंड ऑफ 2025 to 2026। तो यहाँ पे ज्यादातर फोकस किया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी इंप्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को। ठीक है, तो पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ पे स्टैब्लिश हो गया है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन विच कंट्री। तो इंडिया की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ओपन किया अपना पहला ओवरसीज ऑफिस ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया इंडिया के हाई कमिश्नर मिस्टर प्रणय वर्मा ने, जहां पे इन्होंने बात करी किस तरह से इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस दौरान बायलेटरल ट्रेड और एनर्जी सेक्टर कोलैबोरेशन पे भी फोकस किया गया। साथ ही इन्होंने रेफरेंस दिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, जो पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिसको कि ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। ठीक है, और इसका फीचर क्या है, ये कैपेबल है 1 MMTPA हाई स्पीड डीजल को ट्रांसपोर्ट कराने में, और बांग्लादेश की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसके लिए आई थी वो कितनी थी, 285 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस ढाका बांग्लादेश में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द कोचराब आश्रम इन विच इंडियन स्टेट। ये आश्रम कुछ दिनों पहले गुजरात में इनॉग्रेट हुआ था। रिसेंटली वेयर वॉज द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इनॉग्रेटेड। ये जो कीर्ति प्रोग्राम है ये चंडीगढ़ में इनॉग्रेट हुआ है। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड। ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, आंसर है झारखंड। रिसेंटली वेयर वॉज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड। ये कमांड सेंटर कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। और लास्ट वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट इनॉग्रेटेड। इंडिया की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट इनॉग्रेट हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स और एक्वेटिक सेंटर हाल ही में कहां पे इनॉग्रेट हुआ है, आपको ये बताना है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर करेंटली कौन है, नवीन पटनायक जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर को कालिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, जिस जहां पे इन्होंने नींव रखी है एक इंडोर डाइविंग सेंटर की भी। ठीक है, जिसकी लागत कितनी आई है, 120 करोड़ रुपीज। इस स्टेडियम में 120 एथलीट्स जो है एक साथ आ सकते हैं, जहां पे कोचिंग फैसिलिटीज वगैरह दी गई है, मेडिकल केयर है, पैंट्री वगैरह भी है, और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है, और यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक ट्रेनिंग हब है ओडिशा रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए। इसका बेसिक एम क्या है, एथलेटिक्स को डेवलप करना वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स और एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेट हुआ है भुवनेश्वर ओडिशा में। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा फर्स्ट। और चलिए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म। कौन सा स्टेट पहला बन चुका है जिसने कश्मीर में लैंड परचेज करी है फॉर टूरिज्म। यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट हो चुका है जिसने लैंड परचेज करी है कश्मीर में, जहां पे वो एक भवन बनाएंगे फॉर द टूरिस्ट। ठीक है, तो ये लैंड ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुआ था, और जिसके लिए लागत कितनी थी, 8.16 करोड़ रुपीज। ये कोऑपरेशन दर्शाता है स्टेट्स के बीच का, साथ ही टूरिज्म प्रमोट होगा इससे और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा। तो ये जो हिस्टोरिक स्टेप है, इससे रिफ्लेक्ट होता है एक प्रोएक्टिव अप्रोच कि किस तरह से बॉन्ड्स मजबूत होते हैं, और कमिटमेंट सिग्निफाई होता है टू म्यूचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच इंडियन स्टेट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने बात करी है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश।
Recently, Ministry of Earth Sciences inaugurated the first phase of atmospheric research test bed in central India in which Indian state? So, Ministry of Earth Sciences ने inaugurate किया है इसका पहला phase हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट में. Recently, where is North India's first government homeopathic college being established? North India का पहला government homeopathic college हाल ही में establish हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में. Recently, Union Minister of Science and Technology inaugurated the first of its kind National Speed Breeding Crop Facility at which place? ये facility कुछ दिनों पहले inaugurate हुई है मोहाली पंजाब में. Recently, which state became the first state in India to declare the man-animal conflict as a state-specific disaster? ये state है केरला. केरला पहला हो चुका है state India का जिसने कि declare किया man-animal conflict को as a state-specific disaster. What is the rank of India in the Global Human Development Index according to UNDP's latest report? UNDP की latest report के मुताबिक इंडिया की rank क्या है Global Human Development Index में? तो यहाँ पे answer हो जाएगा 134 और इसको initiate किया गया था 1990 में जहाँ पे Human Development Index examine करता है health, education और standard of living को और इससे लोगों की well-being को बेसिकली हाईलाइट किया जाता है ओवर मेयर इकोनॉमिक मैट्रिक्स. ठीक है, जो स्कोर है इसका वो जीरो से लेके वन के बीच में होता है जहां पे अगर वन स्कोर है इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत हाई है यहाँ पे और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जैसे कि वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट. फाइन, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है, आंसर है 134. कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, तो आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. चलिए कुछ रैंक्स और इंडेसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं या फिर ऐसे बात करें कि इंडिया के रैंक देख लेते हैं कुछ डिफरेंट इंडेसेस में. अकॉर्डिंग टू द DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 62nd आउट ऑफ 171 कंट्रीज. तो इसके साथ हमने 5 पोजीशन इम्प्रूव किया है क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी इसमें 67. ये रिपोर्ट कंट्रीज को रैंक करती है बेस्ड ऑन कि उनकी कितनी ज्यादा कनेक्टेडनेस है बाहर की दुनिया से थ्रू द फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, इन्फॉर्मेशन एंड पीपल. ठीक है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुकी है और इसी के साथ इसका एक सेंट्रल रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर द कमिंग डेकेड्स. फाइन, तो इंडिया की रैंक है इसमें 62nd आउट ऑफ 171 कंट्रीज. What is the rank of India in the Gender Inequality Index 2022 released by the United Nations Development Programme? तो Gender Inequality Index को कौन जारी करता है? United Nations Development Programme और इसमें इंडिया की रैंक थी 108. What is the rank of India in the Corruption Perceptions Index 2023? Corruption Perception Index में इंडिया की रैंक थी 93rd. What is the rank of India in the Global Intellectual Property Index 2024? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 42nd. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट? इसमें इंडिया की रैंक थी 38th. ठीक है, याद रखिएगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर है वर्ल्ड बैंक. रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज सिंगापुर. इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर एक MOU साइन किया है लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर जिसका फोकस होगा कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करें लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सेक्टर में और ये जो कोलैबोरेशन है इसे होगा क्या ज्यादा इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हम अडॉप्ट कर सकेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सिंगापुर. चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं. इंडिया साइंड द इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विद विच कंट्री? इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया था ऑन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अलॉन्ग विद UAE. इंडिया हैज रिसेंटली साइन द प्रोटोकॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी JETCO विद विच कंट्री? इंडिया ने ये प्रोटोकॉल हाल ही में साइन करा था डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ जिसके बाद वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी यानी कि JETCO को. क्रिस्टिना पिस्कोवा हु रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री? सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी होगी कि मिस वर्ल्ड इस साल की कौन बनी है, क्रिस्टिना पिस्कोवा. ये कौन सी कंट्री से है? ज़ेक रिपब्लिक. प्रेजेंटली विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स? आंसर इज इंडिया. इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हो चुकी है मोबाइल फोन्स के मामले में. रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 97th मेंबर टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हियर आंसर इज पनामा. ठीक है, पनामा 97th मेंबर हो चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ द नाटो? तो नाटो का 32nd मेंबर बन चुका है स्वीडन. फाइन, और यही अगर हम 31st मेंबर की बात करें तो 31st मेंबर कौन था? फिनलैंड. ओके, नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में.
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024? इस दिन के लिए थीम क्या रखी थी हमने ये बताना है आपको। सबसे पहले वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मार्च को हर साल। इसका बेसिक पर्पस क्या है? कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड करना ग्लोबली, और इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द कंज्यूमर नीड्स, राइट्स एंड मार्केट इनजस्टिसेस। तो थीम हमने इस साल के लिए क्या रखी है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो जो परसिस्टेंट कंज्यूमर इश्यूज हैं उनको हैंडल करने की बात की जाती है इस दिन, साथ ही जो अंडरस्टैंडिंग है कंज्यूमर राइट्स और बेनिफिट्स की उसको जो है प्रमोट किया जाता है। बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप फेयर ट्रीटमेंट और एथिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं इन द मार्केट प्लेस, जहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाते हैं और इस साल के लिए हमने थीम रखी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। चलिए यहाँ पे कुछ रेजेंट थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024? सबसे पहले इस दिन को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 मार्च, और हमने थीम रखी थी इस साल की वॉटर फॉर ऑल। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन? इस कैंपेन के लिए थीम क्या थी? इस कैंपेन के लिए हमने थीम रखी थी नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024? इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सिलरेटिंग द प्रोग्रेस। व्हाट इज द थीम ऑफ रेयर डिजीज डे 2024? रेयर डिजीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं? जब फरवरी का लास्ट डे होता है उस दिन हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हर साल ये अलग अलग रहता है। ठीक है, तो जब कभी आपका लीप ईयर नहीं रहेगा तो 28 ऑफ फरवरी को हम मनाएंगे ये, और इस साल क्योंकि लीप ईयर था तो 29 ऑफ फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करे थे। ठीक है, और थीम की अगर हम बात करें तो इस साल की हमने थीम रखी थी शेयर योर कलर्स। फाइन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024? वर्ल्ड थिंकिंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22nd ऑफ फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर, ये थीम थी। फाइन, नेक्स्ट है, संकलन एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? संकलन एप्लीकेशन किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम और साथ ही एक संकलन मोबाइल एप्लीकेशन। इसको डेवलप किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और ये हेल्प करेगा टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस कोऑर्डिनेशन में, साथ ही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इससे काफी हद तक इनहांस हो जाएगा। संकलन सर्व करेगा एज अ गाइड थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को इससे बेनिफिट पहुंचेगा। संकलन एप्लीकेशन किस चीज से रिलेटेड है? आंसर है सी ऑप्शन, न्यू क्रिमिनल लॉज। फाइन, चलिए कुछ रिसेंट न्यूज देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट मियासाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? मियासाइट क्या चीज है? ये दुनिया का पहला अनकन्वेंशनल सुपर कंडक्टर है। ठीक है, इसको साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किया है नेचर के अंदर। ये वन ऑफ द फोर मिनरल्स है जिसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी की फीचर्स आ जाती हैं जब इसको आप लैब के अंदर ग्रो करते हैं तब। और मियासाइट शेयर करता है प्रॉपर्टीज विद हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। जो सुपर कंडक्टिविटी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन अलाउ किया जाता है विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि ये दुनिया का पहला अनकन्वेंशनल सुपर कंडक्टर है। लैम्पिल पार्ट लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक आपको कहाँ पे मिल जाएगी? आंसर है यहाँ पे मणिपुर स्टेट। ठीक है, ये मणिपुर के लंगोल हिल रेंज में लाई करती है, और ये सर्व करता है एज अ क्रूशल रिजर्वॉयर एक्सेस वाटर के लिए। इसको आप मिनी लोकतक लेक के नाम से भी जानते हैं, और ये सस्टेन करता है इम्फाल के इकोसिस्टम को। फाइन, तो फिलहाल लैम्पिल पार्ट वाटर बॉडी प्रोजेक्ट न्यूज में है, इसी वजह से ये चर्चे में आ गया था। तो ये जो वाटर बॉडी प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंट एफर्ट है मणिपुर के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बीच का। इसका बेसिक पर्पज क्या है? इस लेक को रिवाइव कराना। ठीक है, तो ये लेक कहाँ पे है? मणिपुर में। काजू वैली वाटरशेड रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? काजू वैली वाटरशेड रीजन जो आजकल चर्चे में है ये कहाँ पे लाई करती है? तो कंजर्वेशनिस्ट ने प्लान किया है कि वो नॉमिनेट करेंगे कजुवेली वाटरशेड रीजन ऑफ तमिलनाडु को फॉर इंक्लूजन इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड वॉच 2025। फाइन, जहां पे लोकल प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को लिंक कराया जाता है विद द ग्लोबल अटेंशन एंड एक्शन। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करें तो इसको कब फाउंड किया गया था? 1965 में। इसका बेसिक एम क्या था? सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल और कल्चरल साइट्स को कंजर्व कराना वर्ल्ड वाइड। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है न्यूयॉर्क में। फिलहाल ये 112 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कजुवेली वाटरशेड रीजन कहाँ है? आंसर है तमिलनाडु।
वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है नीति आयोग का. अग्नाशिनी एश्वरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये एश्वरी कहां पे लाई करती है? आंसर इज कर्नाटका. ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली कोलाबरेटेड विद इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर अप्लाइड रिसर्च. इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ कोलाबरेट किया है फॉर अप्लाइड रिसर्च? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, आईआईटी दिल्ली. आईआईटी दिल्ली और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कोलाबरेट किया है इन अप्लाइड रिसर्च, जिससे कि इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट होता है इंडिया के अंदर. इस कोलाबरेशन का बेसिक पर्पज क्या है? इनोवेशन को फॉस्टर करना और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को और इनहेंस करना थ्रू ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग एंड रिसर्च कंसल्टेंसी. ठीक है, तो दोनों ही एंटिटीज कोशिश कर रही हैं कि वो इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को शेप कर सकें, और ये अलाइन करता है आईआईटी दिल्ली के डेडिकेशन को टू पायनियरिंग द रिसर्च. फाइन, तो यहाँ पे आंसर है आईआईटी दिल्ली. इन्होंने कोलाबरेशन किया है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ फॉर अप्लाइड रिसर्च. चलिए कुछ इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं जो न्यूज में आए. पहला है Recently, which ministry collaborated with IIT Roorkee in automotive and EV sector? हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने कोलाबरेट किया है IIT Roorkee के साथ इन ऑटोमोटिव एंड ईवी सेक्टर? आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. फाइन, इन्होंने कोलाबरेट किया है जिसके बाद एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश होगा, साथ ही एक इंडस्ट्री एक्सेलरेटर बनाया जाएगा ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में. तो दोनों मिनिस्ट्रीज ने एक MOU साइन किया है जिससे कि इनोवेशन एडवांस हो सके या प्रमोट हो सके और ईवी सेक्टर जो है वो हमारा और इनहांस हो सके. तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम फॉर अ हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल दैट कैन ऑपरेट बोथ अंडर वाटर एंड इन द एयर? तो रिसर्चर्स डिफरेंट IITs से, जैसे कि IIT जोधपुर, कानपुर एंड पलक्कड़, इन्होंने मिलकर एक हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल डिजाइन किया है एयर और अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पे 3D प्रिंटिंग को यूटिलाइज किया गया है, साथ ही वाटर प्रूफिंग और RC ट्रांसमिशन वगैरह का यूज है इसमें, जिसके बाद इन्होंने एक प्रोटोटाइप क्राफ्ट किया है जो कि टेस्ट किया गया फॉर एरियल वाटर सरफेस एंड अंडर वाटर मैन्यूवरिंग. ठीक है, इसका बेसिक पर्पज क्या है? हम एफिशिएंसी को और इन्हांस कर सकें डिफरेंट टास्क के लिए, जैसे कि ऑयल स्पिल मैपिंग हो गई, लाइफ गार्ड रेस्क्यूज वगैरह हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है IIT जोधपुर, कानपुर एंड पलक्कड़. रिसेंटली विच IIT होस्टेड द फेज 3 ऑफ द युवा संगम प्रोग्राम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी. इन्होंने होस्ट किया है थर्ड फेज युवा संगम प्रोग्राम का अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत. विच IIT हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ वर्क फॉर फूड सॉल्यूशन टू गारंटी मिनिमम वेजेस फॉर द फूड डिलीवरी वर्कर्स? आंसर है यहाँ पे IIT दिल्ली. रिसेंटली IREDA हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच IIT फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. दिस इज IIT भुवनेश्वर. ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सीड्स ऑफ मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन्स टू द फार्मर्स? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि वो फ्री सीड्स बांटेंगे मिलेट्स के और कोर्स ग्रेन्स के किनको? वहां पर रहने वाले फार्मर्स को. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज राजस्थान. राजस्थान की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो मिलेट प्रोडक्शन को बोल्स्टर करेंगे जहां पे फ्री सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स को. तो 1.2 मिलियन फार्मर्स को मेज सीड्स दी जाएंगी, इसके अलावा 800K फार्मर्स को पर्ल मिलेट्स मिलेंगे, इसी तरह सिमिलरली 700K फार्मर्स को मस्टर्ड मिलेगा, इसी तरह से सो ऑन. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट करता है 26% टू द इंडियाज टोटल मिलेट आउटपुट. जो बाजरा है उसका 41% शेयर राजस्थान से आता है. तो गवर्नमेंट ने राजस्थान मिलेट प्रमोशन स्कीम को स्टार्ट किया था 2022-23 में, अगर आपको याद हो तो, जिसके लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे 100 प्रोसेसिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश कराने के लिए. ठीक है, तो राजस्थान की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो फ्री सीड्स ऑफ मिलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे फार्मर्स को. चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं. रिसेंटली नायाब साइनी वॉज स्वर्न इन एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? नायाब साइनी हाल ही में 11वें चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं हरियाणा स्टेट के. रिसेंटली विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी कंडक्टेड ऑल वुमेन मैरिटाइम सर्विलांस मिशन? आंसर है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार. रिसेंटली बिकोम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये अरुणाचल प्रदेश का 27th डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. आपको बताना है कि इस स्टेट का 26th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है. ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू कर्ब द कैटल स्मगलिंग? हियर आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर ने, जिससे कि कैटल स्मगलिंग के प्रॉब्लम जो है वो टैकल की जा सके.
मजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट. ये पेंटिंग असम की है. न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि हाल फिलहाल इसको जीआई टैग दिया गया है. नेक्स्ट है, रिसेंटली विच टीम वन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल. रणजी ट्रॉफी टाइटल इस साल किसने जीता है? आंसर है यहाँ पे मुंबई. और इन्होंने हराया किसको है? आंसर है विदर्भ. ठीक है, 169 रन से इन्होंने हराया था ऑन द 5th एंड फाइनल डे ऑफ द फाइनल्स, जो कि हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के. और यहाँ पे जो मुंबई टीम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थी बिकॉज ऑफ धवन कुलकर्णीज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. और बहुत सारे प्लेयर्स ने इसको सपोर्ट किया, जैसे कि अजिंक्य रहाणे, तनुष कोटियान और मुशीर खान ने. ठीक है, तो 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है मुंबई ने. और किसको हरा के, यानी कि कौन इसमें रनर अप था? आंसर है विदर्भ टीम. फाइन, चलिए कुछ विनर्स देख लेते हैं जो न्यूज में थे. हु वन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में पहला प्राइज किसने जीता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा यतीन भास्कर दुग्गल. फाइन, आपको बताना है कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं. रिसेंटली विच कंट्री वन द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? सबसे पहले ये समिट कहाँ पे हुई है? आंसर है दुबई. और यहाँ पे ये प्राइज जीता है इंडिया ने. ओके, रिसेंटली विच कंट्री वन द 2024 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो ये वर्ल्ड कप जीता है इस साल ऑस्ट्रेलिया ने. हु वन द 87 kg ग्रेको रोमन टाइटल एट द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024? ये जीता है सुनील कुमार ने. ठीक है, और लास्ट ईयर रिसेंटली विच स्टेट वन द नागेश ट्रॉफी इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड? नागेश ट्रॉफी के विनर स्टेट है कर्नाटका. आपको बताना है किसको हरा के इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है. लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन? पैलेस्टीन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? तो मार्च 2024 में पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने अपॉइंट कर दिया है मोहम्मद मुस्तफा को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन. और मुस्तफा एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिस्ट हैं जिनको की एजुकेशन मिली है इन द US, और ये साथ ही इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द अब्बास. मुस्तफा अब लीड करेंगे टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को इन द इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, जो कि पोटेंशियली एडमिनिस्टर करती है गाजा को बिफोर द स्टेट बिकम्स इंडिपेंडेंट. फाइन, तो यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं पैलेस्टीन के? आंसर है मोहम्मद मुस्तफा. चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? नए इलेक्शन कमिश्नर अब कौन बन चुके हैं? आंसर है यहाँ पे ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 मेंबर का सिलेक्शन पैनल बैठाया था जिसमें कि अपॉइंट किया गया इनको एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फाइन, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डिसेंट देखा जा रहा है फ्रॉम द ऑपोजिशन मेंबर ऑफ द पैनल, जहां पे जो इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो क्वेश्चन किया गया है. और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड द टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू. रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड 2024, द US गोल्फ एसोसिएशन हाइएस्ट ऑनर? ये US गोल्फ एसोसिएशन का हाइएस्ट ऑनर होता है बॉब जोन्स अवार्ड, और ये इस साल प्रेजेंट किया गया है टाइगर वुड्स को. हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स है इसके लिए टॉर्च बियरर बन चुके हैं मिस्टर अभिनव बिंद्रा. फाइन, फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया? यहाँ पे आंसर है देवेंद्र झजारिया. रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ICJ के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं नवाफ सलाम. तो ये सारे अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इनको याद रखिएगा. चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे.
विद दिस मीनू हाथ से ना साइनिंग ऑफ।